नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिन नॉलेज पे। जीबी के पावर का शेयर का जो प्राइस है 4.92 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये शेयर दोस्तों देखेंगे तो कुछ दिन में जो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। देखिए अभी कंपनी जो फिलहाल इंसॉल्वेंसी में है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है। प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर्स की ओर से कुछ अपडेट नहीं है कि इंसॉल्वेंसी में कंपनी जो यहाँ पे मतलब सेल करेगा जीबी के पावर को, या फिर बोल सकते कि इसको जो है डेब्ट जो है कंपनी का वो क्लियर करेगा। जीबी के पावर में देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा प्राइस में जीबी के पावर के शेयर में खरीदारी करके रखा है। शेयर का प्राइस 11.5 रुपए से अभी 4.92 पैसे में जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अभी जीबी के पावर के शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। टेक्निकली शेयर कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का Q125 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आने वाला है बहुत ही जल्दी। जीबी के पावर इसके जो Q125 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने वाला है। देखिए Q424 का देखते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने शेयर किया है, जहाँ पे कंपनी का Q424 में कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। हमें लगता है कि Q1 में कुछ खास प्रॉफिट वगैरह कंपनी का हो सकता है। अभी यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है जीबी के पावर का। तो अभी अभी क्या करना चाहिए जीबी के पावर में, टेक्निकली शेयर कैसा है, क्या चल रहा है जीबी के पावर में, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा बने रहिए, स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। जीबी के पावर के शेयर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन में जो लगभग 2.2% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। वही बात करते हैं एक हफ्ते में 12% शेयर का प्राइस डाउन हुआ, वन मंथ में देख सकते हैं 53.5% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है दोस्तों। कंपनी का जो है यहाँ पे मतलब जीबी के पावर का देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जो कि Q125 के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके शेयर करने वाले कंपनी बहुत ही जल्दी। वन मंथ में देखते हैं तो जीबी के पावर पे शेयर का प्राइस देख सकते हैं वन मंथ में जो है 10.89 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, जो इसका हाई प्राइस था 10.89 पैसा, और जो लो प्राइस बनाया है 4.92 पैसा, और जो यहाँ पे बोलते हैं एक हफ्ते का जो हाई प्राइस है 5.47 पैसा, और जो लो प्राइस है 4.92 पैसा दोस्तों। अभी कंपनी में जो है जीबी के पावर में जो इसका बोलते कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, जो कि 777 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जीबी के पावर के शेयर दोस्तों, देख सकते टेक्निकली जो शेयर एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर के जो शेयर है एक बोल सकते कि जो है ओवरसोल्ड लेवल पे फिलहाल अभी है। अभी यहाँ पे जो मतलब मैग्डी इंडिकेटर के जो शेयर है, ना कि मतलब बोल सकते कि जो है एक बेयरिश पैटर्न बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी जीबी के पावर के शेयर फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है टेक्निकली, मतलब टेक्निकली देखेंगे तो बेयरिश पैटर्न जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर्स के पास 54.25% का स्टेक है। FIS के पास 0.85% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.49% का स्टेक, पब्लिक के पास 44.4% का स्टेक है। तो जीबी के पावर का जो इंसॉल्वेंसी है दोस्तों, देखिए कंपनी का जो मतलब जीबी के पावर जो इसके जो कोल बिजनेस है उसका गारंटर हुआ है। इसके चलते जो अभी लोन वगैरह है तो अभी वो जीबी के पावर को पे करना है। तो अभी यहाँ पे जो लेंडर्स ने कोर्ट में बोलते कि जो एप्लीकेशन दिया है, तो जीबी के पावर को इंसॉल्वेंसी में रखा गया है। अभी यहाँ पे जीबी के पावर के जो प्रोमोटर्स है इनका देखते तो बाकी बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है जीबी के पावर के प्रोमोटर्स का, जीबी के पावर के प्रोमोटर्स का जो है बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहां पे इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। पावर का जो है इंसॉल्वेंसी जो है, जो कि लगभग 18,000 करोड़ के लिए है। ये जो इंसॉल्वेंसी बताया जा रहा है कि जो कि 18,000 करोड़ रुपया जीबी के पावर को देना है। देखिए जीबी के पावर के जो सब्सिडरी कंपनी है देख सकते हैं, मतलब अगर बोलेंगे तो बहुत सारे इसके पास सब्सिडरी कंपनी जीबी के पावर का, उसमें से एक या दो सब्सिडरी कंपनी है जो जीबी के पावर का एक प्रॉफिट देता है, बाकी सब्सिडरी कंपनी से कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं आता है। लोन डिफॉल्ट जो है कंपनी ओज लगभग 2.6 बिलियन इन द लोन्स कॉर्पोरेट गारंटर इशूड बाय द लेंडर्स मेनी फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस शेयर्स, लगभग उसके चल मतलब जो इंसॉल्वेंसी है उसके से देखेंगे तो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। तो जो लोन दिया है जीबी के पावर के जो लेंडर्स है ज्यादातर जो है फॉरेन के ब्रांचेस है। जीबी के पावर का जो लोन दिया है जो कि कोल बिजनेस को दिया है, तो कोल बिजनेस कुछ खास हुआ नहीं कंपनी का, जो कि शायद से ऑस्ट्रेलिया में है। तो कोल का जो बिजनेस है उसमें देखते हैं तो कंपनी का कुछ खास बिजनेस वगैरह शुरू नहीं हुआ है वहाँ पे। और कंपनी का जो मतलब लोन लिया था वो लोन का जो अमाउंट है कंपनी ने पे नहीं किया लेंडर्स को,
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेंडर्स हैं, बैंक हैं जिन लोगों ने, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन लोगों ने जेबीके पावर को लोन दिया था, तो उसका मतलब देखेंगे तो पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने जो जो लेंडर्स हैं उन लोगों ने एक इंसॉल्वेंसी जो यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन दिया, और जो एनसीएलटी हैदराबाद के उन लोगों ने बोला कि कंपनी को जो इंसॉल्वेंसी में लाया जाए। और जो बोल सकते कि अभी यहाँ पे जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास देख सकते हैं 44.40% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 44.41% का स्टेक किया है दोस्तों। अभी जैसे कि शेयर का जीबी के पावर का देखते हैं, तो देखिए कंपनी जो है अभी यहाँ पे Q1 25 में कंपनी का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है, कुछ खास प्रॉफिट वगैरह लगता नहीं कि कंपनी का यहाँ पे हो सकता है। पिछले 4 क्वार्टर से देखते हैं जीबी के पावर का जो प्रॉफिट है 118.67 करोड़ से रिड्यूस होकर 100.88 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है 104.6% रिड्यूस हुआ है दोस्तों। कंपनी का जो रेवेन्यू है, पिछले 4 क्वार्टर्स का रेवेन्यू हम लोग देख रहे हैं जो कि 512.31 करोड़ से रिड्यूस होकर 92.25 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 41.4% इंक्रीज, माफ कीजिए, रिड्यूस हुआ है। तो देखिए कंपनी का मतलब जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है जीबीके पावर का, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो हमें लगता है दोस्तों मतलब ये जो शेयर है, जैसे कि अभी इसका Q1 25 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगा तभी अगर देख सकते हैं कंपनी का, अगर देखेंगे तो कुछ खास प्रॉफिट वगैरह शायद से नहीं बनेगा, शेयर का प्राइस और ज़्यादा डाउन हो सके। देखिए यहाँ पे तो इंसॉल्वेंसी लगा हुआ है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो अभी यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं, शेयर को जो है सेल कर रहा है। फिर अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन का जो लो प्राइस बना है शेयर में जो कि 4.92 पैसे का है, और एक दिन का हाई प्राइस 4.92 पैसे का, 52 डे का जो लो प्राइस बनाया है 3.10 पैसे का, और 52 डे का जो हाई प्राइस है दोस्तों 17 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने जीबीके पावर के शेयर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। 1 मंथ में देखेंगे तो जीबीके पावर का जो शेयर का प्राइस है 52.81% डाउन हुआ है, 3 मंथ्स में 50.44% डाउन हुआ है, 1 ईयर में देखेंगे 39.72% रिटर्न दिया है। तो कंपनी जो यहाँ पे जीबीके पावर अभी यहाँ पे जिसने भी ज्यादा प्राइस में शेयर में खरीदारी करके रखा है, एक बार यहाँ पे अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए। कंपनी में जैसे कि देखेंगे जीबीके पावर में जो अभी इंसॉल्वेंसी लगा है, तब से देखते हैं तो शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर्स की ओर से अभी तक ऐसा कुछ बोल सकते कि अपडेट नहीं आया है कि जीबीके पावर के जो प्रोमोटर्स हैं क्या यहाँ पे पेमेंट जो है क्लियर करेगा, जो मतलब इनको रिपे करना है वो पेमेंट सारे यहाँ पे क्लियर करेगा, या फिर वन टाइम सेटलमेंट करेगा, या फिर कंपनी को जो यहाँ पे सेल करेगा। जीबीके पावर को डीलिस्ट भी हो सकता है कंपनी, अगर प्रमोटर्स यहाँ पे कंपनी को मतलब पेमेंट वगैरह नहीं करता तो डीलिस्ट भी हो सकता है जीबीके पावर का शेयर। दोस्तों आपको कैसा लगता है जीबीके पावर का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।